गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में हमारी कविता पार्ट पांच में आज पहली बार के बारे में सुन लिया था। आपको पता है कि कविता किसके बारे में है? ये है कविता हवा और मनुष्य के बीच के संवाद के बारे में है। तो हवा मनुष्य को सांत्वना दे रही कि हे मनुष्य, तू कष्टों और बाधाओं से कभी मत डर, हवा की तरह आराम से एक जगह से दूसरी जगह चलता ही जा। भटकना मनुष्य का काम नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाना मनुष्य का काम है। तो हमने देखिए, मुझे पता है कि आपने लास्ट सेशन में फर्स्ट पहली पंक्तियों को आपके अर्थ को आपने जान लिया था, पर पता है बच्चों, दूसरी पंक्ति में जाने से पहले जस्ट पहली पंक्ति को हम अपनी पाठ्य पुस्तिका में एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। तो देखिए क्या है, आज पहली बार थके शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोद में रखा और जलते हुए मस्तक पर कांपता सा हाथ रखकर कहा, सुनो मैं भी पराजित हूँ, सुनो मैं भी बहुत भटकी हूँ, सुनो मेरा भी नहीं कोई, सुनो मैं भी कहीं अटकी हूँ। तो सुनो, देखो हवा कितने गौर से मनुष्य को बता रही, क्या बता रही है, सुनो मैं भी पराजित हूँ, सुनो मैं भी बहुत भटकी हूँ, सुनो मेरा भी नहीं कोई, सुनो मैं भी कहीं अटकी हूँ। तो देखो बच्चों, कितना भावपूर्ण है कि नहीं। तो मैंने इसके अर्थ को अपने लास्ट सेशन के अंदर बता दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी तीसरी पंक्ति, पहली और पहले पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अर्थ को मैंने समझा दिया था। तो हम क्या करेंगे, आप अपनी तीसरी पंक्ति मीन्स थर्ड पंक्ति मीन्स थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। तो देखिए, मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर, इस शाम पट पर मैंने क्या कर दिया, कुछ पंक्तियों तीसरी और चौथी पंक्ति को मैंने लिख दिया। टेल मी बच्चों, इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम क्या है? वेरी गुड, क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, करेक्ट नो? वेरी गुड, शुड रिमेम्बर वेरी वेल, ओके। नाउ सी, आई हैव रिटन द पोएम हियर, दैट इज थर्ड पैराग्राफ एंड द फोर्थ पैराग्राफ। यू नो हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर इन दिस पोएम? रियली इट इज फोर पैराग्राफ। तो यहाँ पे चार हैं, चार में से मैंने दो को अपने पहले सेशन के अंदर बता दिया था। तो ये मेरा है नेक्स्ट सेशन है। तो आज इस सेशन के अंदर हम तीसरे और चौथे पैराग्राफ के अर्थ के बारे में समझेंगे। तो इसके अर्थ को जानने से पहले मैं इसको पढ़ के दिखाऊंगी और उसके बाद में उसके अर्थ को जानेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि कैसे हमें पढ़ना है, और हमें पढ़ते समय बहुत ही भावपूर्ण से आपको पढ़ना है। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ। पर न जाने क्यों, देखिए, पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी, नहीं कोई था। तो देखिए, हवा अपने बारे में भावपूर्ण होके, दुखपूर्ण होके अपनी कहानी को मनुष्य के सामने बता रही, क्या बता रही है? पर ना जाने क्यों आर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, पराजय ने मुझे शीतल किया। तो जिस हार में थी, जो पराजय मीन्स आई टोल्ड यू, जो हार जाता है, हार और जीत जीवन के एक सिक्के के समान होता है। तो पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी, नहीं कोई था। तो मेरे साथ में कोई भी नहीं था। तो हवा अपने बारे में मनुष्य को बता रही है। तो यहाँ पे देखिए, अपने तीसरी पंक्ति में देखिए, इसी से सब हो गए मेरे। तो इस हवा बोली, इसी से मैं रुकी नहीं, मैं आगे चलती रही। तो मेरे इस व्यवहार से, मेरे इस कैरेक्टर से इसी से सब हो गए मेरे, मेरे इस भाव से जो मेरे से दूर हो गए वो सब मेरे साथ में मिल गए थे। मैं स्वयं को बांटती ही फ्री, फ्री मीन्स घूमना इधर से उधर। तो मैं स्वयं को बांटती ही फ्री, किसी ने मुझको नहीं यति दी। कभी किसी ने सोचा कि मुझे भी विश्राम करने की, मुझे भी रेस्ट की आवश्यकता है, पर किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। और मैं आज जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ती ही रही, अपने जीवन में मैं प्रोग्रेस करती रही। ए मनुष्य, तो दुख और निराश होकर क्यों बैठा है, तू अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ता ही जा। बच्चों, जैसे मैंने ये कुछ लाइन्स लिखी है, आपने देखा तो मैंने कुछ अंडरलाइंस किया है,
आपको पता है मैंने क्यों किया है? वेरी गुड, ये शायद से शब्दार्थ भी हो सकते हैं। अगर इनको देखिए, आप जब पोएम पढ़ते हो तो आप पढ़ते समय थोड़ा डिफिकल्ट फील ना करें, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है और मैंने इसके मीनिंग्स को यहाँ पे लिख दिया है। कैन वी गो वंस वी रीड इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स? यस। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराजय को किया है। पराजय को मैंने अपने फर्स्ट सेशन में भी बताया इसका मीनिंग क्या होता है, फिर भी जो कि वर्ड इस पैराग्राफ में आया है तो उसके मीनिंग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो पराजय मीन्स हार और डिफीट। हार मीन्स यू नो ना, जब हम खेलते हैं एक तो हार होती है या फिर जीत होती है। इसको छोड़ के कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को हमें अपनाना ही पड़ता है। जो जीत जाता है खुशी के मारे नाचे लग जाता है, जो हार जाता है वो आंसू बहाने के ढंग में रह जाता है, पर हमें आंसू को ही अपने इसमें अंदर नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आई हैव गिवन द मार्किंग हियर गति। गति मीन्स आगे बढ़ने, आगे बढ़ते ही जाना मीन्स प्रोग्रेस। हमें अपने जीवन में जीवन के इस पथ पर आगे बढ़ते ही जाना है। और यति मीन्स विश्राम और रेस्ट, और दर्द मीन्स कष्ट, जो कि इन पंक्तियों के अंदर आया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपकी चार पंक्तियां हैं, चार में से मैंने दो को बता दिया है और ये हमारी आगे की दो पंक्तियां हैं। तो मैं इसके मीनिंग को अब आपको बताने वाली हूँ। मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। तो क्या है? पर ना जाने क्यों पराजय ने मुझको शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी। नहीं कोई था तो मेरे साथ में कोई नहीं था, इसी से सब हो गए मेरे। मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझको नहीं यति दी, किसी ने मुझे मेरे बारे में नहीं सोचा। तो देखिए हवा बहुत ही प्रेरणा, बहुत ही दुख के साथ में कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा था। तो हवा बोल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगी, अब मैं अपने जीवन के पथ में इतने कष्ट आ गए थे, अब मुझे लग रहा कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, मैं जहां हूं वहीं पर ही खड़ी हो पाऊंगी। क्यों सब मेरे विरुद्ध हो गए, ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है? Why I'm feeling like this? Because जो मेरे सब अपोजिट हो गए, अब मेरे साथ में कोई भी नहीं है। उस अपोजिट, जो मेरे साथ अपोजिट हो गए हैं, उन लोगों को देखने से लग रहा है कि मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मेरे अंदर कोई भी साहस नहीं बचा है। मेरे रास्ते में, मेरे जो जाने वाले पथ पर, रोड पर बार बार रुकावट डाल रहे, कष्ट पे कष्ट डाल रहे हैं। कष्ट में थोड़ा जाती हूँ फिर कुछ ना कुछ कष्ट आ जाता है। तो मैं अपने रास्ते में जो मेरे दुश्मन होते हैं, जो मेरे ऑपोजिट पार्टी वाले हैं, मेरे सामने बार बार कष्ट को झेल डालते ही रहते हैं और मैं अपने रास्ते पे आगे बढ़ ही नहीं पा रही। फिर भी देखिए, फिर भी, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। कितने कष्ट कितने दिन रहेंगे? एक महीना, चार दिन, पंद्रह दिन, एक दिन तो प्रकाश आएगा ही ना हमारे जीवन के अंदर। तो बोला देखिए, फिर भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी, मेरे इस हृदय में एक छोटे से कोने में प्रकाश का उजियारा ऐसे ही था। तो मैं अपने क्या करी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं थोड़ी भी हिम्मत नहीं हारी, मैं अपने रास्ते पर निरंतर आगे ही बढ़ती रही। मैं डरी नहीं, मैं क्यों डरूं, मैं धीरे धीरे छोटे छोटे पांव रखते हुए अपने जीवन की तरफ, अग्नि रास्ते की तरफ बढ़ती ही रही। मैंने अपनी हर पराजय को अपने लिए प्रेरणा माना। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, कभी कभी हम क्या आगे बढ़ते बढ़ते कभी गिर जाते हैं, कभी क्या करते अपने आप ही गिर जाते हैं, कभी कभी गिरने जैसा लगता है, पर हमें उसे डरना नहीं चाहिए। उसको देखिए, उसको प्रेरणा बना, कोई बात नहीं, इस बार कम मिला तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आई गेट गुड मार्क्स फॉर दिस। यस सुन, तो वो हमारे लिए प्रेरणा बनना चाहिए। अगर हम उसको भी बोलेंगे वो मुझसे आगे चले गई और मैं एक मार्क्स में पीछे रह गई, अगर आप ये भावना अपने मन के अंदर रखोगे तो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ये भावना कभी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आपको इसको प्रेरणा एक के रूप में लेना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाना चाहिए, है कि नहीं? और देखिए, जब जब मैं भटकी
जब लोगों ने जब मेरे सामने कितने सारे कष्ट को डाले, कितने सारे दुखों को डाले, और मैं क्या, जब जब मैं मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि मुझे आगे कैसे जाना चाहिए, अपने पथ से विचलित हुई। कभी कभी मेरा रास्ता ऐसे ही था, फिर भी मुझे पता नहीं चला कि क्या रियली मेरा रास्ता ऐसा ही है, क्या मुझे इसी रास्ते पे चलना चाहिए। मेरे मन को ऐसा लग रहा था, फिर भी हम क्या करें, मुझे रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने नए जोश के साथ में, नई उत्साह के साथ में, नई उमंग के साथ में अपनी मंजिल की ओर, अपनी गोल की ओर कदम बढ़ाया और आगे बढ़ती गई। तो आई हैव सेट वन गोल, आई हैव केप्ट दैट गोल इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे पता है कि उस गोल को पाने के लिए मुझे कितनी रातों की नींद को गंवाना है, कितना कठिन परिश्रम करना है। तो मैंने उसको अपने ध्यान में रखते हुए उसको, उस पथ को, उस गोल को पाने के लिए कठिन परिश्रम करती ही गई और अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था, तो मेरा साहस बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। मुझे अपना साहस खुद ही बढ़ाना था, मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना था, मुझे रास्ता दिखाने वाला भी वहां पे कोई नहीं था, मेरा दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था। तो मेरे दुख को, मेरे दर्द को समझने वाला या मैं किसी को कहने वाली कोई भी मेरे साथ में नहीं था। लेकिन देखिए, मेरे साथ में कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे साहस और जोश को देकर सब मेरे साथ हो गए। तो देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि तुम ऐसा काम मत करो, तो हम क्या करते हैं, उस हाथ उस काम को छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे ऐसे काम को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उस काम को करके दिखाना चाहिए, तभी लोग बोलेंगे हाँ इसके अंदर हिम्मत और जोश है। अगर आप उस काम को नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे ये तो डरपोक है, इसे काम करना नहीं आता है, ये हरदम अपने जीवन में कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगा या फिर गति से आगे नहीं चलेगा, जो वो जहां खड़ा है वहीं पर ही खड़ा रहेगा। और सबने मेरा हौसला बढ़ाया, जब मैं उनकी बात नहीं माना और अपने जीवन में आगे बढ़ता ही गया, तो सब लोग मेरे पीछे आ गए, बोला और आगे चलो बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम और अच्छा कर सकते हो, तुमने इतना पार किया, योर गोल इज वेरी नियर, स्टिल यू कैन गो फॉर दैट, अब्रॉड यू कैन डू। तो हमारा हौसला वो बढ़ाते ही जाते हैं। मैंने सबके सुख दुख में उनका, देखिए उन्होंने मेरे सुख में मेरे साथ थे, पर मेरे दुख में मेरा कोई भी साथी नहीं था। पर मैंने उनके साथ में ऐसा नहीं किया, मैं उनके सुख में भी और उनके दुख में भी उनके साथ ही रहा, मैं उनको छोड़कर विचलित नहीं हुआ, उनको छोड़ करके दूर नहीं हुआ, मैं हर दम उसके साथ ही रहा, मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं छोड़ जाऊंगा तो उनका क्या हाल हो जाएगा। तो देखिए, मैंने सबके सुख दुख में उनका साथ दिया, सबको अपना समझा, क्यों, क्योंकि वो मेरे ही साथी हैं, रोज मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे साथ में रहते हैं। आज कष्ट आया, इसका मतलब मैं उसके साथ छोड़ दूं, ये जिंदगी नहीं होती है, ये अपनत्व नहीं होता है। चाहे कष्ट आए, चाहे दुख आए, कुछ भी हो, हमें अपने साथी के साथ में हरदम उसके दुखों को बांटते हुए, उसको रास्ता दिखाते हुए उसके साथ हमें चलते ही जाना है। इसलिए आज सब मेरे हैं, मेरे इस क्वालिटी की वजह से सब लोग मेरे साथ में, मेरे इस कैरेक्टर की वजह से, इस गुण की वजह से सब लोग आज मेरे पीछे हैं, तो मैं आज बहुत ही सुखी हूँ। तो मैं आज के गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे साथ कितने लोग हैं, वो मुझे आगे बढ़ने का, मेरे गोल को कंप्लीट करने का मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए, और अब मेरे लिए कोई बाधा नहीं है, अब मेरे सामने कोई भी मुश्किल नहीं है, आराम से मैं रास्ता पार करते हुए जा रहा हूं, मुझे आराम से रास्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, इस कविता में कवि ने, देखिए इस कविता में कवि ने हवा को मनुष्य के समान बातचीत करते हुए कहा है। देखिए इस कविता में जो पंक्तियों में हवा मनुष्य के साथ में बातचीत कर रही है,
दोनों बातचीत का नाम है, दोनों बैठ करके बात कर रहे हैं, अपने कष्टों को और अपने दुखों को शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको क्या समझ में आए कि हर मन तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों समान है, तुम बैठ गए हो और मैं अपने जीवन में निरंतर आगे ही बढ़ता ही जा रहा हूँ। समझ में आया? तो ये जो आपकी तीसरी पंक्ति का अर्थ है, जो जिसको मैंने यहाँ पे शाम पट पर लिख दिया है, और मैंने कुछ शब्दों को यहाँ पे अंडरलाइन किया था जिसके मीनिंग को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। कैन यू गो फॉर द नेक्स्ट वन? ओके, नाउ जस्ट आई विल रीड फॉर यू व्हाट इज द गिवन हियर। तो यहाँ पे जब पहले टेक्स्ट बुक की तरफ चलेंगे, उसके बाद में मैं शाम पट की तरफ एक बार पढ़ के दिखाऊंगी। अगर मैं यहाँ पढ़ूंगी तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो मैं पहले टेक्स्ट बुक में पढ़ूंगी और उसके बाद में हम क्या करेंगे, शाम पट की तरफ देखेंगे। तो अब देखिए, अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, हमारा ये चौथा पैराग्राफ है और मैंने यहाँ पहला चौथा यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए चौथा किस प्रकार है। देखिए बच्चों, हरदम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जब हम एक एक मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रह जाते हैं, तो कभी भी हमें पीछे देखकर आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे मैं कैसा था, आगे मुझे कैसा बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने चौथे की तरफ चलती हूँ। लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया, और मेरे दर्द को मुझसे बड़ा कर गया आज पहली बार। तो देखिए यहाँ पे कवि बोल रहा है कि लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया, तो मुझे लग रहा है कि मुझे किसी ने उठाकर खड़ा कर दिया है। इसका मतलब है कि मैं सोया हुआ था, तो कवि का कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, और मेरे दर्द को मुझसे, तो बोला कि मेरे अंदर कितना ही दर्द था, उस दर्द को मुझसे बड़ा कर गया। तो क्या मेरा दर्द उस हवा और मनुष्य के दर्द से भी बड़ा है? आज पहली बार, तो आज पहली बार में हवा ने अपने अंदर रहने वाले दुख को कितनी अच्छी तरह से शेयर किया और मुझे आगे जाने का रास्ता दिखाने लगा। तो देखो, आपने अभी देखा कि मैंने इसको किस तरह पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके थोड़े से इसके रीडिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने इसको लगा दिया है, लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया, और मेरे दर्द को मुझसे बड़ा कर गया आज पहली बार। तो देखिए यहाँ पे कुछ अभी एक एक वर्ड को मैंने यहाँ जस्ट अंडरलाइन किया है। दर्द मीन्स आपको पता ही है, वो होता है कष्ट और पेन। दर्द मीन्स आपको पता है बच्चों, ये दर्द में ऊपर र आया है, ये रेव की मात्रा कहलाती है। अगर मैं दर्द ऐसे लिखूंगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए द र द, ये रॉन्ग है। समझ में आया? दर्द को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, तो दर्द को जो नया है उसको हम ऐसा लिखते हैं, दर्द। प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा ही है, यह है दर्द। समझ में आया? तो इस दर्द को मैंने वहां पे लिखा है। आपको लिखते समय बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। कुछ बच्चे आप क्या करते हैं, र को बीच में लगा करके पीछे द को लिखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बल्कि आपको दर्द को ऐसा लिखना चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ दिया है और शब्दार्थ को भी आपने देख लिया है। तो हम क्या करेंगे, अपनी लास्ट पंक्ति के अर्थ को थोड़ा जान लेंगे कि यहाँ पे कवि हमें आगे की पंक्ति में क्या बताना चाहता है। पहली पंक्ति में खड़े होकर के बोला, कष्ट को सहो करके बोला, मैं तुम्हारे साथ में। अब उसने पहले मनुष्य के बारे में सुना, फिर उसने हवा ने अपने बारे में बताया, फिर उसके सेकंड पंक्ति में क्या बोला, ए मनुष्य तू मुझे देख। तो पूरी कहानी हवा ने मनुष्य को सुनाई। अब तीसरे पैराग्राफ में लगता है मनुष्य खुद किससे साथ बात करेगा, हवा के साथ में। देखिए हर हर पैराग्राफ में अलग अलग बातचीत हो रही। तो जैसे कि हम सुनेंगे आज पहली बार, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ कवि कह रहा है कि हवा की बात सुनकर, जैसे कि हमने सेकंड पैराग्राफ में हवा मनुष्य के साथ में बात कर रहा है, और हवा अपने कष्टों को मनुष्य के सामने बता रहा है कि ऐसे ऐसे मुझे कष्ट आए और मैं इनका सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता ही गया। किसके लिए आगे बढ़ता गया, अपने गोल को रीच करने के लिए। मैंने जो गोल सेट किया था उसको रीच करने के लिए मैं आगे बढ़ता ही गया। तो ए मनुष्य, हवा बोल रही है कि देखो कि बात सुन, हवा की बात सुनकर ऐसा लगा कि मेरा दुख समझने वाला भी कोई है। अब लास्ट पैराग्राफ में हवा ने बोला कि मेरा दुख सुनने वाला कोई भी नहीं है,
तो इस पैराग्राफ में हवा की बात सुनकर मनुष्य बोल रहा है कि मेरा दुख समझने वाला भी कोई है। अब दोनों बात अब हवा ने बता दिया, पहले पैराग्राफ उठा दिया, सेकंड पैराग्राफ में हवा ने बता दिया, अब थर्ड पैराग्राफ में मनुष्य खुद बोल रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि अब मेरे साथ में कोई है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने दर्द को दुख को दूसरों के साथ में बांट सकता हूँ। जो मुझ जैसा निराश और थके हरे इंसान में जोश भरकर दुखों से लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो देखिए मुझे लग रहा है कि अब मेरा कोई साथी बन गया है जो मेरे अंदर जोश भर रहा है, मेरे दुखों और कष्टों को सुन रहा है और उसे दूर करने के लिए वो मुझे रास्ता दिखा रहा है कि नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं अपनी क्लास में, हम बहुत दुख में, घर से कुछ हो जाता है, हम दुख में आते हैं तो क्लास में आकर के कक्षा के अंदर अपने पार्टनर से बोलते हैं कि आज मुझे बहुत बोर लग रहा है कि नहीं, तो आपका फ्रेंड आपको रास्ता दिखा दे, व्हाई यू वरीड, आई एम देयर नाउ, आई एम योर फ्रेंड, आई विल शो द पाथ फॉर यू, है कि नहीं। वो तुम्हारी सहायता करता है कि तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो ताकि तुम्हारी हालत सही हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हवा मनुष्य को रास्ता दिखा रही कि आपको समझने वाले बोल रहे कि ए मनुष्य डर मत, मैं इतने दिन तक तू समझ रहा था तू अकेला है, अब तू अकेला नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ, है कि नहीं। तो मैं तुम्हें निरंतर रास्ता दिखाते ही जाऊंगा। थके हुए इंसान में जोश भरकर, इतने दिन तक तुम निराश बैठे थे, मैंने बोला ना गो एंड गेट योर गोल, व्हाई यू सिटिंग अलोन, तो मैंने तुम्हारे अंदर एक जोश भर दिया है, एक उत्साह भर दिया है, तो उस उत्साह में तुम भागते भागते जाओगे, अपने गोल को रीच कर लोगे। और देखिए दुखों से हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, दुखों से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाने का रास्ता ढूंढते जाना है। जो दर्द और निराश से घिरे व्यक्ति को उन्हीं बाधाओं और कष्टों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है, तो यहाँ पे देखे हवा बोल रही है कि ए मनुष्य तू चुपचाप कष्ट को देखे तू चुपचाप क्यों बैठ गए, तू इसको एक प्रेरणा बना, इसको एक बड़ा गोल बना, उसको उस गोल को पाने के लिए तुझे पता ही नहीं चलेगा और तू उस गोल को पाने के लिए अपने सारे कष्टों को भुलाकर उसको पाने की तरफ तू लग जा, ए मनुष्य तू भूल जा तू कहाँ है, अपने गोल को रीच करने का तू प्रयत्न कर, तू बैठ मत, तू आगे चलते ही जा। समझ में आया? तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितना भावपूर्ण है, सिर्फ आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और देखिए हवा बोल रहा है कि मुझे लग रहा है, तो हवा बोल रही है कि जो मनुष्य बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि जिस दर्द को मैं अपने लिए बांधा मान रहा हूँ, इतने दिन तक मुझे दर्द, अब जो पेन है वो बहुत ही, देखिए दर्द मीन्स कष्ट और पेन, वो जो कष्ट मेरे मन के अंदर था वो मुझे एक बड़ा पत्थर लग रहा था, वह मुझसे भी बड़ा हो गया है, वो पत्थर बहुत बड़ा पत्थर मेरे दिल पर पड़ गया है करके मुझे लग रहा था। दर्द सहकर ही मुझ में दुखों और कष्टों से लड़ने की ताकत आएगी, तो हवा बोल रही ए मनुष्य तू उस कष्टों और दुखों से लड़ना, तभी तुझ में शक्ति आएगी, तभी तू आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर होगा। तू बोलेगा मुझे दुख है, दुखी तो सुनने वाला कौन है, तुम्हारे कष्टों और दुखों को तुम्हें ही सुलझाना है, तुम्हें ही आगे बढ़ते जाना है। आज पहली बार ये एहसास हवा ने करवाया है, तो हवा ने अपनी स्पर्श से अपने टच से लोगों को ये एहसास कराया है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम कष्टों को डर कर मत बैठो, अपने जीवन में आगे, जीवन के आगे पथ की ओर बढ़ते ही जाओ। देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम अपना भी एग्जाम्पल लें तो कोई इसमें चेंज नहीं है, हमें भी क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं, किसी कारणवश हमें कम मार्क्स मिल गया तो इसका मतलब नहीं कि हम आगे भी हमें कम ही मिले, ऐसा कुछ नहीं है। हमें दुखों और कष्टों को सहन करते हुए अपने जीवन में निरंतर बढ़ना चाहिए, तभी जब हम कष्टों को सहेंगे तो कष्ट अपने आप वहां से भाग जाएगा, है कि नहीं। उसे हमें अपना प्रेरणा बनाना, एक पाथ बनाना है, एक माइलस्टोन बनाना है, अगर हम उस माइलस्टोन को अपने साथ में रखेंगे तो एक कष्ट अपने आप भाग जाएगा एंड वी विल गेट द गोल व्हाट वी वांट टू बिकम इन आवर
लाइफ। तो हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे गोल्स को रखना चाहिए। उस गोल्स को पाने के लिए मुझे पता है बहुत सारे कष्ट आते हैं, पर जब उस कष्ट को पार करेंगे तभी तो हम उस गोल को रीच करेंगे, है कि नहीं। एक मनुष्य छोटा रहता है, माँ हाथ की उंगली को पकड़ के उसको चलना सिखाती है, चल करके स्कूल तक पहुंचाती है। स्कूल में टीचर्स आपको कहां तक पहुंचाते हैं? आपकी लाइफ तक पहुंचाती है कि नहीं। आपको डॉक्टर बनने का, आपको इंजीनियर बनने का रास्ता दिखाती है। ये आपका धर्म होता है कि आपको वहां पे चलना है कि नहीं बच्चों। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे और अपने जीवन इस कविता के माध्यम से आप अपना बड़ा गोल अपने जीवन पर रखेंगे और अपने स्कूल, अपने माता पिता का नाम बहुत ही रोशन करेंगे। मैं पूरी आशा के साथ में ये कहती हूँ। तो देखिए, आपने जैसे कि अपने लास्ट पैराग्राफ में आपने सुन लिया है कि हवा कैसे मनुष्य के साथ में बात करते हुए उसे सांत्वना दे रही कि ए मनुष्य, इन कष्टों को छोड़ दे और अपने जीवन में आगे बढ़ता ही जा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो पूरी जो तीन और चौथी, तीसरी और चौथी पंक्ति आपको पूरी समझ में आ गई। तो इस दोनों पंक्तियों को देखिए, मैं एक बार फिर से चौथी पंक्ति के अर्थ को थोड़ा जिस्ट के अंदर बता देती हूँ। इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है कि देखिए, कवि कह रहे हैं कि हवा की बात सुनकर ऐसा लगा कि दुख समझने वाला भी कोई है, मेरे दुख को समझने वाला है, कोई मेरे साथ में है। तो ए मनुष्य, तू थक कर मत बैठ, तू मेरी तरह आगे बढ़ता ही जा। तब जब तुम आगे बढ़ोगे तभी अपने जीवन में निरंतर गोल को बढ़ते ही जाओगे। तो देखिए, जिस दर्द को मैं अपने लिए बांधा मान रहे थे, जो माइलस्टोन बनाकर हमें अपने जीवन के अंदर आगे ही बढ़ते ही जाना है, अब वो मुझे भी, वो मुझे इतने दिन मुझे क्या लग रहा था कि वो दर्द एक बड़ा स्टोन की तरह लग रहा था, अब मुझे वो स्टोन की तरह नहीं लग रहा है। अब मुझे मेरे प्रेरणा का एक माइलस्टोन लग रहा है, उसको मैं रख करके अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ सकूंगा। और दर्द सहकर ही मुझ में कष्टों और दुखों से लड़ने की ताकत आएगी। देखिए, इतना एक्सप्लेन करने के बाद में अब मनुष्य बोल रहा है कि हाँ, दर्द को सहकर ही, दुखों को, कष्ट को सहकर ही अब मुझ में दर्द को सहने की शक्ति आ जाएगी, है कि नहीं। गोल्ड को, आपने गोल्ड तो देखा ही होगा, वो देखिए आग में पककर ही गोल्ड बनता है कि नहीं। आग में पककर ही वो गोल्ड बनता है। पहले क्या जमीन के अंदर से गोल्ड ही आता है? बिल्कुल नहीं, उसको आग में पिघलाया जाता है। पिघलने के बाद में उसके अंदर जो अलग अलग जो धातु होती है उसे अलग किया जाता है और गोल्ड के अंश को, सोने के अंश को अलग किया जाता है। तो जैसे कि बताया गया है कि जैसे सोना आग में पलकर ही, आग में उबल कर ही सोना बनता है। तो हमें कष्ट को सह करके ही, हमें कष्ट को सहने की शक्ति आ जाएगी और अपने जो हमारे जीवन में जो गोल सेट किया है उसे पाने की शक्ति भी हमें आ जाएगी। तो अब देखिए, हमने क्या किया, सारे पंक्तियों को हमने जान लिया। तो अब देखिए क्या करेंगे, इन पंक्तियों को जानने के बाद में मैं आपको जस्ट पढ़ के बताऊंगी कि किस पंक्तियों को किस तरह पढ़ा जाता है और उसके बाद में कुछ प्रश्नों से आपके इसके पूरे के बारे में जानूंगी कि वेदर यू अंडरस्टूड द पोएम और नॉट। हियर तो यहाँ पे इस तरह दिया गया है, तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। तो पोएम का नाम क्या है आज पहली बार, वो है पांचवी, ठीक है। आज पहली बार थकी शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोद में रखा और जलते हुए मस्तक पर कांपता सा हाथ रख कर कहा, सुनो मैं भी पराजित हूँ, सुनो मैं भी बहुत भटकी हूँ, सुनो मेरा भी नहीं कोई, सुनो मैं भी कहीं अटकी हूँ, पर ना जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी, नहीं कोई था इसी से सब हो गए मेरे, मैं स्वयं को बांटी ही फ्री, किसी ने मुझको नहीं यति दी, लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बढ़ा कर गया आज पहली बार।
तो आपको पता है इस कविता के कवि का नाम क्या है? तो इस कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपने पूरी पंक्तियों के बारे में इसको जान लिया है और इसमें आए सारे इसके बारे में आपको जान लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस कविता में आए हवा के बारे में, हवा मीन्स यू नो ना द विंड के बारे में। तो मैं आपको दूंगी कि आज के थोड़े होमवर्क पार्ट के अंदर मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे होमवर्क पार्ट में आपको लिख देती हूँ आपको क्या करना है। आपको हवा के बारे में, हवा के बारे में चार मीन्स यू नो फोर चार वाक्य आपको लिखना है। समझ में आया? चार वाक्य को लिखना है। यू नो वेयर टू राइट दैट इन द होमवर्क बुक, बिकॉज यू आर ऑल आई नो इन द 8th स्टैंडर्ड यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ आपको क्या लिखना, हवा के बारे में चार वाक्य लिखना। मैंने बताती हवा का चित्र चिपका, कोई भी हवा का चित्र नहीं चिपका सकता, मुझे पता है। जस्ट आपको हवा के बारे में चार सेंटेंस लिखना है। तो इस आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। शुभ दिन, थैंक यू।